अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग, होप या ऑल फाइन। एक बहुत ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट एक अपडेट आया रिसेंटली, जो कई सारे न्यूज़ चैनल्स पर आप लोग देख रहे हैं। पिगासस नाम का एक फ़ोन हैकिंग सॉफ्टवेयर है, ये इसराइली एक कंपनी का सॉफ्टवेयर है जो आपके फ़ोन में एक बार इंस्टॉल होने पर आपके मैसेजेस, चैट्स, ईमेल्स, पासवर्ड्स, बैंक पासवर्ड्स, फोटोज, आपका फ्रंट बैक कैमरा, लिटरली आपका फ़ोन का हर फीचर ये लोग एक्सेस कर सकते हैं बिना आपके मालूमात के। तो सोचो, ये लोग आपका फ़ोन का फ्रंट कैमरे से आपको अभी फ़िलहाल देख रहे भी होंगे और आपको इसके बारे में पता भी नहीं है। तो क्या है ये ख़तरनाक पिगासस सॉफ्टवेयर? क्या आपके भी फ़ोन में ये सॉफ्टवेयर हो सकता? देखेंगे एक ख़तरनाक खुलासा। तो पिगासस इसराइली हैकिंग सॉफ्टवेयर। सबसे पहले बात करते हैं पेगासस ये सॉफ्टवेयर है क्या। एक्चुअल में सॉफ्टवेयर नहीं, इसको मैलवेयर कहा जाता, जो आपके फ़ोन में एक हिडन सॉफ्टवेयर की तरह रहता, हर आपके ऐप में ये इंस्टॉल होके हैक करके जो भी पर्सन आपको ये भेज रहा सॉफ्टवेयर, उसके पास आपका पूरा डेटा कलेक्ट होता रियल टाइम में भी। रियल टाइम मतलब अभी फ़िलहाल भी जो आप कर रहे वो उसके पास करंट अपडेट होते रहता। तो इसराइल की मशहूर साइबर सिक्योरिटी एजेंसी जिसका नाम है NSO टेक्नोलॉजीज, ये लोग ये सॉफ्टवेयर को डेवलप करें, और एक बार ये सॉफ्टवेयर अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो गया तो बिना आपके नॉलेज के आपका कंप्लीट फ़ोन और डेटा इनका पास एक्सेस हो जाता। इंडिया के कुछ न्यूज़ एजेंसीज इसको रिसेंटली कवर किए क्योंकि उन्हें इसके बारे में रिसेंटली पता चला, लेकिन इसके बारे में आपको हिस्ट्री देता हूँ कि किस वक्त बना था, कौन कौन इसके टारगेट्स थे और ये क्यों यूज़ किया जा रहा। पिगासस ये सॉफ्टवेयर काम कैसा करता, मतलब कि इंस्टॉल कैसा होता और वर्क कैसा करता, इसके कई सारे तरीके हैं। सबसे जो मशहूर दो तरीके वो है, एक तो आपको एक SMS आता, कई सारे आप स्पैम मैसेजेस देखते आपके फ़ोन में, आप 1 करोड़ जीत गए, 10 करोड़ जीत गए, ये लिंक पे क्लिक करो, तो आप देखते कभी कभी क्लिक करे तो वो कोई आपको शॉप के उस पर लेके जाता, सर्वे, ये फेक एड्स रहते। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही मतलब ख़तरनाक किस्म का सॉफ्टवेयर है और इसको नॉर्मल हैकर्स नहीं यूज़ करे, इसके पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ रहता और कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता। तो ये लोग क्या करते, अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा तो वो कोर्ट रिलेटेड उसको ये लोग एक मैसेज भेजते कि तुम्हारी हाजिरी का ये यहाँ से लिंक से इसको एक्सेस करना है, या डेट तुम्हारी चेंज हो गई या कुछ प्रॉब्लम है, ये लिंक के थ्रू आप उसको रेक्टिफाई कर लो या ठीक कर लो। उनको ये नहीं पता रहता कि ये एक फेक मैसेज और फेक लिंक है। जैसा वो लिंक पर क्लिक करे, सिर्फ क्लिक करने पर ब्लैंक पेज खुलता, माल नहीं होता, लेकिन ये सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता और आपको पता भी नहीं रहता इस चीज़ के बारे में। आप समझते हैं शायद कुछ ब्राउज़र में प्रॉब्लम है और आप वापस फ़ोन अपना बंद करके बाजू रख देते। और दूसरा जो मशहूर तरीका ये लोग जो रिसेंट यूज़ कर रहे थे वो है व्हाट्सअप के ज़रिए। व्हाट्सअप पे आपको एक फेक नंबर से ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल, आंसर नहीं भी करे आप, सिर्फ आपको एक मिस कॉल भी दे दिया तो समझ जाओ कि वो सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो गया। सिर्फ एक अनआंसर्ड वीडियो या ऑडियो मिस कॉल के थ्रू भी आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता, इतना ख़तरनाक है सॉफ्टवेयर। एक बार ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम कर सकता आपके फ़ोन में, वो है आपके जितने भी चैट्स है जो है व्हाट्सअप के हो सकते हैं, आपके दूसरे सॉफ्टवेयर्स के भी हो सकते हैं, या जो भी आपके चैट जो मैसेजिंग रहते वो कंप्लीट टेक्स्ट में और स्क्रीनशॉट के थ्रू इनके पास अपडेट होते रहता। ये टेक्नोलॉजी जो फर्मवेयर जो भी आपके पास ये इंस्टॉल करवाने लगा उसके पास पूरा डेटाबेस में कलेक्ट होता, आपके जितने कॉल्स है, इनकमिंग, आउटगोइंग, मिस कॉल्स, ये पूरी लिस्ट उनके पास चल जाते रहती, हर थोड़ी थोड़ी देर को उनके पास अपडेट होते रहता। आप किससे बात कर रहे थे, कब बात कर रहे थे, पूरे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के साथ ये पूरा इनके पास अपडेट होते रहता। आपके फ़ोन में जितने भी पासवर्ड्स आप एंटर कर रहे, मतलब कोई भी चीज़ में लॉगिन होने के लिए, या जो आप ऑलरेडी सेव करके रखे आपके फ़ोन में, ये पूरे पासवर्ड्स इनके पास अपडेट होते रहते। स्पेशली जो लोग जो बैंक के लिए आप जो लॉगिन करते पासवर्ड, ये पूरा आपका ID, पासवर्ड, स्क्रीनशॉट के जरिए और टेक्स्ट के जरिए पूरा इनके पास अपडेट कर देता। आपके जो कैलेंडर में जो भी मार्किंग्स आप करते, ये यूजुअली जो हाई पोजीशन के जो लोग रहते वो लोग कैलेंडर में आगे के डेट पे मार्किंग करके रखते, इस दिन यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट करना है, या उस दिन वहाँ पे कोई हाजिरी है, या उस दिन कोई जर्नलिज्म का काम है, ये पूरा आपका कैलेंडर का मार्किंग इनके पास अपडेट कर देता डेटाबेस में। आपके जितने भी ईमेल्स है ये पूरे अपडेट इनके पास कर, आप इंटरनेट पे जो भी ब्राउज कर रहे थे, जो भी सर्च कर रहे, एक तरह से आपका इंटरनेट का जो ब्राउजिंग हिस्ट्री बोलते, कंप्लीट हिस्ट्री इनके पास अपडेट हो जाती।
आपका जो फ़ोन में जो ऑडियो माइक रहता नीचे जहाँ से आप बात करते, एनी टाइम ये लोग ऑन कर सकते और इनके पास अपडेट होते रहता कि आप क्या बात कर रहे, मतलब जो भी आप कमरे में बैठे हुए फ़ोन बाजू चार्ज पे रखे हुए, चार लोग बात कर रहे हैं आप लोग, तो आप चारों की पूरी बातचीत लाइव इनके पास अपडेट होती है, आपका मान भी नहीं रहता, आप तो बोलते फ़ोन मेरा बंद बाजू रखा हुआ है, लेकिन उसके लिए आपका फ़ोन यानी तो आपका वाईफाई कुछ एक स्विच ऑन रहना, वरना वो एकदम एयरप्लेन मोड में रहा तो कुछ भी नहीं होता उस वक्त। और सबसे ख़तरनाक इसका जो फीचर है सॉफ्टवेयर का वो है आपके फ़ोन में जो फ्रंट और बैक कैमरा है, एनी टाइम ये सॉफ्टवेयर, ये जो हैकर है जो भी हैकिंग कर रहे हैं, ये लोग कभी भी आपके फ़ोन का फ्रंट या बैक कैमरा खोल के आपको देख सकते हैं, आपको पता भी नहीं रहता आप फ़ोन में नॉर्मल टेक्स्ट कर रहे या कुछ भी आप यूट्यूब प्ले कर रहे कुछ भी होगा, लेकिन ये लोग उस वक्त आपका कैमरा भी ऑन करके आपको उस वक्त देख सकते हैं। इसलिए आप देखते होंगे बस जो रहते बड़े CEOs वो लोग अपने लैपटॉप्स पे, स्पेशली फेसबुक का जो ओनर है मार्क ज़करबर्ग, आप कभी भी देखो उसके लैपटॉप में सामने की जो स्क्रीन है, जो कैमरा रहता है उसके लैपटॉप का, उस पर एक स्टिकर चिपका के रखता उन्हें, कभी भी मतलब उनको भी मालूम है कि कुछ भी स्विच ऑन हो सकता, इतना डेंजरस है ये सॉफ्टवेयर बोल के नहीं, एक जनरल उसमें उन्हें वैसा चिपका के रख, कभी भी कोई हैकिंग सॉफ्टवेयर्स आपके या तो सिस्टम में आए या फ़ोन में आए तो आपको ओवरहीटिंग का इशू आता, रैम आपका ज़्यादा यूज़ होता अगर सिस्टम पे या लैपटॉप पे, अगर आप फ़ोन में वायरस आ गया या इस तरह का मैलवेयर आया तो ओवरहीट होता फ़ोन। अब आप जैसा एक नॉर्मल पबजी गेम खेल रहे तो ऐसे वक्त एक्सेस डेटा यूज़ हो रहा बोल के आपका फ़ोन ओवरहीट होता, लेकिन पेगासस ये जो इसराइली सॉफ्टवेयर है इसकी ये खासियत है कि आपका फ़ोन कभी ओवरहीट नहीं होता इसके अंदर। इसके बारे में 2016 में कुछ रिपोर्ट्स आना शुरू हो गए थे जो टेस्टिंग करते हैं डिफरेंट फोन्स में, एक अजीब सा एक सॉफ्टवेयर ये लोगों को दिख रहा था जिसके थ्रू कुछ डेटा पास ऑन हो रहा, लेकिन ये लोग सॉफ्टवेयर पकड़ नहीं सक रहे थे, और वैसे भी टेक्नोलॉजी 2016 और अब 19 में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, तो वो हिसाब से पेगासस जो है वो भी एक डेवलपिंग स्टेज में था 2016 में, और दोनों iOS और जो एंड्रॉयड है जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं फ़ोन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोनों में भी ये इंस्टॉल हो सकता आसानी से। इसके बारे में खुलासा कब हुआ जो प्रॉपर हुआ, कुछ साल पहले अहमद मंसूर नाम का जो एक UAE में दुबई में एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है और गवर्नमेंट के खिलाफ वो कुछ स्टैंड लेते रहता, तो उसके फ़ोन पे कई सारे स्पैम मैसेजेस आ रहे थे और उन्हें क्लिक करा, मतलब उसको भी ऐसी था कि तुम इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ तो यहाँ पे हाजिरी है या ऐसा ऐसा चेंजेस है, तो उन्हें लिंक क्लिक करा, समझ नहीं आया उसको, लेकिन स्पैम मैसेजेस तो भी आते रहे, तो अब ही वॉज स्मार्ट, तो उन्हें बोला कि नहीं ये कुछ सस्पिशियस दिख रहा, हो सकता कोई कुछ ट्राई कर रहा है मेरे फ़ोन में, तो उन्हें क्या करा, बहुत मशहूर एक सिटीजन्स लैब नाम का एक साइबर सिक्योरिटी एक कंपनी है जो फ़ोन्स में ये वायरस या उस तरह को ढूंढते, तो अपना फ़ोन लेके जाके दिया वो सिटीजन्स लैब को, भी टाइम लगा क्योंकि वो लोग नहीं ढूंढ सक रहे थे सॉफ्टवेयर को, क्योंकि सॉफ्टवेयर की खासियत है कि कभी दिख के नहीं आता, बहुत सीक्रेट तरीके से ही इंस्टॉल होता फ़ोन में, तो वो लोग लुकआउट और एक एक कंपनी है दोनों मिलके कंटिन्यूस रिगरस टेस्टिंग करते रहे, पूरा चेक करते रहे फ़ोन को, और एंड में उनको ये सॉफ्टवेयर मिला जो मैलवेयर बोलना चाहिए जिसका नाम रखा गया है पेगासस। तो जब स्पाइवेयर पेगासस के बारे में सिटीजन्स लैब और लुकआउट दोनों मिलकर खुलासा करके बोले कि ये बहुत खतरनाक सॉफ्टवेयर है, और जब ये लोग सर्च करें कि किधर डेटा जा रहा था, कहां से डेटा जा रहा था, पूरा ये लोग ये मान करें कि अतराफ वर्ल्ड के कई डोमेन से इंटरकनेक्ट होकर इसराइल की कंपनी जिसका नाम NSO है उसके पास पूरा डेटा कलेक्ट हो रहा था। अब आप पहचानते कैसा कि पेगासस आपके फ़ोन में, प्रॉब्लम ये है कि इसको पहचान ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है पहचानना। सिटीजन्स लैब जो कंपनी है जो खुद ढूंढी थी इसको कई उस वक्त, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में था ये डेवलप होने के, तो उस वक्त फिर भी पकड़ा गया, अब तो बहुत चेंजेस आ गए सॉफ्टवेयर में, इम्पॉसिबल है नियरली ढूंढना। उसका कोडिंग इस तरह से है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके फ़ोन में है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आपका फ़ोन कभी ओवरहीट ही नहीं होता, और एक ख़तरनाक अब उसके अंदर फीचर आया हुआ है जो है सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड। जैसे कि आप मिशन इम्पॉसिबल में देखते हैं कभी भी एक मैसेज जो हीरो है उन्हें प्ले करे बाद मैसेज खत्म होने के बाद 5 या 10 सेकंड में मैसेज सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता, आग लग जाता, तो ये सॉफ्टवेयर इसमें भी अब सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिवेट हो गया, मतलब कि किसी विक्टिम के फ़ोन में जाने के बाद एक बार लिंक क्लिक हो गया, लिंक क्लिक होते कि ये सॉफ्टवेयर अपने आप को सेल्फ डिलीट कर लेता पूरी तरह। अब तो सिटीजन्स लैब ये भी बोल दिया कि इतना खतरनाक डेवलप कर दिया पेगासस सॉफ्टवेयर को
आपके फोन को फैक्ट्री रीसेट, मतलब कि आप जब फॉर्मेट करते जीरो जो हो जाता फोन, जिसमें आपके पूरे फोटोज वीडियोस हर चीज डिलीट होके वापस ब्रांड न्यू जैसा फोन रहता, फैक्ट्री रीसेट करने के बाद भी ये पेगासस सॉफ्टवेयर एक्टिवेटेड रहता। वो कैसा? क्योंकि आपके जितने भी ऑनलाइन अकाउंट्स थे जो पेगासस उस वक्त एक्सेस कर लिया था, आपका फोन तो रीसेट हो गया लेकिन वो जो ऑनलाइन जो चैनल बन गया था वो इनके पास जारी रहता। तो इसलिए सिटीजन्स लैब ये रिकमेंड करा कि फैक्ट्री रीसेट करे बाद भी आपका फ़ोन जो है, जितना भी आपके क्लाउड बेस्ड पासवर्ड्स रहते, मतलब कि जो ऑनलाइन पासवर्ड है आपका, बैंक का जैसा पासवर्ड रहता, उसको आप कोई और कंप्यूटर से आप लॉगिन होके पूरे अपने अकाउंट के पासवर्ड्स चेंज करना। आखिर ये सॉफ्टवेयर बना किसके लिए गया और टारगेट कौन हो रहे थे इसमें? देखा गया तो हजारों व्हाट्सएप यूजर्स इसमें टारगेट हुए थे। 1400 to 1500 प्लस यूजर्स ऑलरेडी इसके विक्टिम बन चुके थे। व्हाट्सएप रिसेंटली रिलीज कर रहा था स्टेटमेंट इसके बारे में, और इन हजारों में 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट थे 20 डिफरेंट कंट्रीज के। रिसेंट टारगेट जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला, एक था अहमद मंसूर जो यूए का ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, जो गवर्नमेंट के खिलाफ कई सारे प्रोटेस्ट करते रहता कि वहाँ के जो लेबर क्लास है उनको बराबर उनके राइट्स मिल रहे नहीं। और रिसेंट अब जो लाइमलाइट में आ रहा जो रिपोर्ट्स आ रहे वो ये भी है कि जमाल खशोगी जो सऊदी जर्नलिस्ट था रिसेंटली जिसको मारा गया, तो जमाल खशोगी का हर मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे, वो किससे बात कर रहा था, कहाँ बात कर रहा था, कब नेक्स्ट उसका प्लान क्या करने वाला था, और जैसा मैंने बोला कैलेंडर मार्किंग थे उसके, तो ये जो उसको मारने वाले थे वो लोग पूरा सेटअप उसका कर लिए थे उसको मारने के लिए, और उनको पता था कि वो कॉन्सुलेट में उस वक्त आने वाला है। तो पहले का पहले वो लोग वहाँ पे जमा होके अंदर छुप गए, और जब वो अंदर आया उसको पूरी तरह मार दिए और गायब भी हो गए। व्हाट्सएप रिसेंटली कई सारे लोगों को मैसेजेस भेज रहा था कि हमारे ऐप के थ्रू आपका फ़ोन शायद टारगेट हुआ, और हम लोग हमारा व्हाट्सएप का जो है अपडेट लाए जल्दी, जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपडेट करो क्योंकि आपके फ़ोन में अटैक हो रहा है या आपके थ्रू डेटा निकाला जा रहा। तो व्हाट्सएप कई लोगों को भेजा, और जब उसको सिटीजन्स लैब के थ्रू पता चल गया था कि फोन हैक हो रहा था, एक तो मैसेज के थ्रू उन्हें भेज रहा था, दूसरा था व्हाट्सएप के ऑडियो वीडियो कॉल के थ्रू आप आंसर भी नहीं कर रहे थे आपके फोन में, उसके थ्रू इंस्टॉल हो रहा था। तो व्हाट्सएप जो है NSO टेक्नोलॉजीज के ऊपर केस फाइल कर दिया कि तुम हमारा ऐप मिसयूज करे अपने हैकिंग के लिए। NSO टेक्नोलॉजी को जब सवाल किया गया कि ये क्या था इसके पीछे मकसद, तो NSO वाले ये बोले कि हम कोई आम मामूली लोगों को ये सॉफ्टवेयर नहीं प्रोवाइड करते, इसकी सर्विसेज सिर्फ गवर्नमेंट, ये सर्विस सिर्फ उनको दिया जाता, मतलब वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल बोलता है कि मेरे को ये आदमी को ट्रैक करना है, तो इन्हों अपना सॉफ्टवेयर के थ्रू पूरा ट्रैक करके उसका अपडेट देते फ़ोन का। और गवर्नमेंट्स ये बोलते हैं कि हम ये सॉफ्टवेयर इसलिए यूज़ कर रहे क्यों, ताकि जो देश के खिलाफ हो, मतलब कुछ अगर प्लान कर रहे लोग तो उनके फ़ोन्स को हम टारगेट करके हम उनको पकड़ सकते। आज तक तो कोई ऐसा रिजल्ट आया नहीं, लेकिन अलबत्ता इतना देखा जा रहा है कि जिन भी कंट्रीज़ में ये पाया गया वो कंट्री में जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे उनके ऊपर तो बराबर नज़र रखा जा रहा। तो आप समझदार हैं, आप समझ जा सकते हैं इस चीज़ के बारे में। तो हो क्या सकता हमारे हिसाब से मकसद ये स्पाईवेयर का? प्रॉब्लम यह है कि ये स्पाईवेयर कई साल से चले आ रहा, हो सकता कि कई लोगों के फ़ोन्स में भी इंस्टॉल्ड हो, जो भी खिलाफ बोलता हो सकता उनको ट्रैक किया जा रहा कि वो लोग क्या बोलते, किस हद तक जा सकते किसी के खिलाफ बोलने के लिए, जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा उसको आप मॉनिटर कर सकते। पता नहीं कौन से गवर्नमेंट्स इसमें इन्वॉल्व्ड है, आप कमेंट करो नीचे इस चीज़ के बारे में। जो गवर्नमेंट्स है कुछ कंट्रीज़ के वो लोग यही बता रहे कि हमारे को इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, और हम तो खुद भी परेशान हैं ये हुआ क्या, लेकिन आप सबको जैसा मालूम है पीछे कुछ और ही रहता हिसाब, सामने कुछ और बताया जाता। इसी से रिलेटेड हम बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाले हैं, द RFID चिप, एक जो चिप है आपके हाथ में यहाँ पर उसको इंसर्ट करके, इतना सही रहेगा आपके जितने भी कार्ड्स है, सोशल कार्ड्स है, जैसा आधार कार्ड बोलते हैं इंडिया के लिए, बाहर के लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर्स रहते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड है, आपका डेबिट कार्ड है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इतने से आपके हाथ के चिप में आ जाएंगी। तो आप बोलेंगे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, कहीं भी आप सुपरमार्केट में कुछ खरीद रहे ऐसा स्कैन कर दिए तो आपके पैसे भी कट गए, आप कहीं भी ट्रेन में जा रहे ऐसा स्कैन कर दिए तो आपको टिकट के पैसे आ गए। प्रॉब्लम ये है कि कल के दिन आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोले और ये चीज़ को गवर्नमेंट अगर ज़ीरो कर दी, क्या ये भी एक टूल है जो बहुत आगे मॉनिटर और एक इंसान को कंट्रोल करने के लिए पाया जाएगा?
बहुत जल्दी बनाएंगे हम वीडियो इस चीज़ के बारे में भी। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ मेक श्योर लाइक करिए, सपोर्ट करिए हमें, और आप लोगों की दुआ इज़ द बेस्ट थिंग। प्रे फॉर अस, हमारे सपोर्ट करिए, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और जितना हो सकते हमसे एक रिक्वेस्ट है, स्पेशली फेसबुक पे भी हम जब अपलोड करें, शेयर करो इस वीडियो को जितना हो सकता, स्प्रेड द वॉइस, एंड वी विल बी बैक सून अगेन विद मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। जब तक फिर टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।